कांड विकास छजलैट की ग्राम पंचायत में पंचायत राज विभाग के दिशा निर्देशन में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। छजलैट की अलग अलग ग्राम पंचायतों में जहां प्राथमिक स्कूलों को कायाकल्प योजना के अंतर्गत विकास के तहत किया जा रहा है, तो वहीं वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए तालाबों को अमृत सरोवर योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी का कहना है कि शासन स्तर पर जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों में विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। गांव की जनता को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो वहीं निजी तालाबों में मत्स्य पालन विभाग की योजना का लाभ जनता प्राप्त कर रही है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि सरकार की जनकल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे, जनता को लाभ मिले और हमारा ये विकास खंड छजलैट का कार्य क्षेत्र फले फूले। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। बरसात का मौसम है, ऐसे में गंदगी बहुत हो जाती है। गांव-गांव सफाई कर्मचारी सफाई कार्य में जुटे हैं। जनमानस की अपील की जा रही है कि सभी सफाई का ध्यान रखें और सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें। सड़कों पर गंदगी को ना डालें, सड़कों पर गंदी पॉलिथिन ना फेंकें। अगर कहीं जलभराव की समस्या है तो समस्या के लिए विभाग को अवगत कराएं। छजलैट ब्लॉक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा काशीपुर गांव में अमृत सरोवर तालाब योजना का लाभ दिया गया है। पहले वो तालाब ऐसा तालाब था जहां पर लोग गंदगी परोस रहे थे, लेकिन अब जनता के सहयोग से इस तालाब को खूबसूरत बनाया गया है। सबसे पहले तो मनरेगा योजना लीजिए आप। मनरेगा योजना लगभग हमारे सभी गांव में चल रही है, उसमें हम लोग इस समय अमृत सरोवर पर जोर दिया जा रहा है और उसके अलावा पशु शेड बन रहे हैं, चक मार्ग बन रहे हैं, व्यक्तिगत तालाब खोद रहे हैं और व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए हम बहुत से काम कर सकते हैं जो इस योजना में है, अगर लाभार्थी चाहे तो। हाँ, कुछ जगह है ऐसी जिसमें कि काम नहीं हो पा रहा है। पहले जब लेखपाल ने नपत करी थी उसमें, उस समय तो उसने जमीन दे दी थी, बाद में कुछ ग्रामवासी झगड़ा करके उसको नहीं होने दे रहे हैं। एक आध अमृत सरोवर है, ऐसे ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ और लगभग सब जगह काम चल ही रहा है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि मनरेगा और किसी भी योजना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो सरकार लाभ दे रही है, किसी भी तरह का लाभ दे रही है, उसको पूरी तरीके से लें कि और ब्लॉकों से हम लोग पिछड़ ना जाए लाभ लेने में सरकार का।